रिस्ट्रिक्शन कैसे लगता है, ठीक है, उसका सिस्टम में कैसे रिस्ट्रिक्शन लगता है वो बताऊंगा मैं अभी। तो चलिए पहले हम सिस्टम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सोर्स लिस्ट के लिए जैसे कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एसपीआर में जाएंगे, आईएमजी रेफरेंस में जाएंगे, और यहाँ पे हम मेटल मैनेजमेंट में चले जाएंगे। मेटल मैनेजमेंट में जाने के बाद हम यहाँ पे गए परचेजिंग में। परचेजिंग में जाने के बाद कल हम लोगों ने जिस टाइम पे देखा था, इन्फो रिकॉर्ड देखा था, जहाँ पे उसके ठीक बगल में ही है हमारा सोर्स लिस्ट। इन्फो रिकॉर्ड यहाँ था, सोर्स लिस्ट यहाँ पे है। सोर्स लिस्ट के अंदर भी बस हम यही है कि हम अपना कोई भी मेंटेन करना, जैसे इसको चेक कर सकते हैं। अगर मेरे को प्लांट के ऊपर मैं वो करना है, एक्टिवेट करना है, तो ये मैंने आपको लोग शायद बता दिया था, लेकिन मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। जो भी हमारा प्लांट है उसके अंदर अगर हम जाएंगे और उसके अंदर अगर मैं सोर्स लिस्ट को अलाउ कर देता हूँ, तो उसके अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मेरा भी डबल लाइन प्लांट है जो आ जाएगा, ये था यहाँ पर डबल लाइन और ये, ठीक है। अभी मैं आपको इसका कम्बिनेशन बता देता हूँ और कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल मास्टर में जाएंगे, MM02 के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमारा मटेरियल था उसको लेंगे हम, सर यही हमारा ये नहीं था, 6 सीधा नंबर है, 1 शुरू, सिक्स नहीं, अभी हमारा नंबर MM06 में जाके हम मेटल मास्टर देख लेंगे हमने कौन सा क्रिएट किया हुआ है। मेरा प्लांट है इसके ऊपर ये वाला मेरा मटेरियल है 600, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था मेरी रॉ मटेरियल के टाइप पे, ये दिख रहा होगा SLSM02। इसके अंदर मैंने मटेरियल को पास किया, एंटर किया, यहाँ पे भी एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं जाता हूँ सबसे पहले परचेजिंग के व्यू में, डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकता हूँ परचेजिंग के व्यू। जैसे परचेजिंग के व्यू में आया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको टिक मिलेंगे। जैसे एक तो यहाँ पे है बैच मैनेजमेंट का, अगर मेरे को इस मैटर को बैच मैनेज करना तो वो लगा सकता हूँ। इसका कंसेप्ट जब हम मीगो करेंगे उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि बैच क्यों लगाया और इसका कंसेप्ट क्यों रीड हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। एक होता है कंसेप्ट इसमें ऑटोमेटिक पीओ क्रिएट करने का, परचेज ऑर्डर हमने बनाने से पहले ही हम दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं, एक हम परचेज ऑर्डर मैनुअली बनाए, एक सिस्टम को बोल देंगे भाई आप ऑटोमेटिक जनरेट करो, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन में होता है, ऐड करना होता है इसको, ठीक है। इसी के तरीके से सोर्स लिस्ट होता है, सोर्स लिस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक नीचे लिखा हुआ सोर्स लिस्ट, तो सोर्स लिस्ट में भी जिस मटेरियल को, सॉरी जिस वेंडर को हम लेंगे, उस वेंडर मटेरियल को लेंगे, उस मटेरियल के अंदर हम क्या करेंगे, सोर्स लिस्ट का जो टिक है इसको अलाउ करेंगे और इसको सेव करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया है, इस मटेरियल के अंदर सोर्स लिस्ट अलाउ कर दी है, तो जब भी मैं इस मटेरियल का कोई भी पीओ बनाऊंगा तो सिस्टम उसी सोर्स लिस्ट के अकॉर्डिंग वेंडर को चेक करेगा और उस वेंडर पे ही हमें खरीदने के लिए बोलेगा, बाकी के पे नहीं करने देगा, ठीक है। पहले मैंने अभी सोर्स लिस्ट लगा दिया, क्लिक कर दिया। सेकंड इसका टी कोड होता है सोर्स लिस्ट क्रिएट करने का, ME01। ME01 अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मेंटेन सोर्स लिस्ट आ गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट लेता हूँ मेरा और मेरा मेटेरियल लेता हूँ, इन दोनों के कम्बिनेशन पे एंटर करता हूँ। इसके कम्बिनेशन पे एंटर करने के बाद पहले मैं यहाँ पे डालूंगा फ्रॉम टू टू ये डेट, कि मैं एक वेंडर जो भी हम इससे खरीद रहे हैं इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम देना चाह रहे हैं या कैसे, ठीक है। जैसे मैं अभी फ्रॉम टू टू दे देता हूँ कि 27, और इसको भी दे देता हूँ फ्यूचर के लिए दे देता हूँ 1 महीना का अलाउ कर देता हूँ, केवल मैं 1 महीने तक, और वेंडर मेरा अभी जो हमने क्रिएट किए हुए वेंडर दे लेता हूँ। सर एक चीज बताइएगा, जब हम सोर्स लिस्ट में डिफाइन कर रहे हैं कि हमको पर्टिकुलर वेंडर से लेना है, तो हाँ इसका मतलब हम RFQ जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है वो डालने की जरूरत नहीं है, सीधे ही ये कर सकते हैं? हाँ ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। RFQ का कंसेप्ट अलग होता है। RFQ के कंसेप्ट में क्या होता है, हम अलग अलग वेंडर से कोटेशन ले रहे हैं। कोटेशन का मतलब क्या है कि मैं उससे प्राइस पूछ रहा हूँ अलग अलग वेंडर से। मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल लेने गए हैं, पहले मैंने एक दुकान पे गया, वहां पे मैंने जाके चेक किया कि भाई कितने रुपए में दे रहे हो, फिर दूसरी पे पूछा, फिर तीसरी पे पूछा, हमने उसमें से फिर जो बेटर लगा उससे हमने सामान खरीद लिया, ये RFQ का कंसेप्ट है। सोर्स लिस्ट में हमें क्या है, वेंडर और मेटेरियल के साथ में पहले ही बोल दिया कि भाई आपको रामलाल से ही लेना है, बस जाओ और उससे ले लो ये वाला मेटेरियल।
अगर आप सैमसंग का मोबाइल हम खरीदना है तो इस दुकान पे जाइए और खरीद के ले जाइए। हाँ मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जहाँ पे सोर्स लिस्ट आएगी वहाँ पे RFQ की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हाँ नहीं, हमने तो पहले ही डिफाइन कर दिया उसको। क्योंकि हमने तो वो पहले ही वेंडर दे दिया और वेंडर का एक टाइम लिमिट भी दे दिया कि इस टाइम तक जी जी उससे ही खरीदूंगा। ठीक ओके सर, थैंक यू। है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे फ्रॉम डेट डाल दी, एक फ्रॉम डेट से टू डेट डाल दी, वेंडर डाल दिया। वेंडर डालने के बाद यहाँ पे मैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन दे सकता हूँ, जैसे मैंने 9900 बनाया हुआ था, ओके और इसके बाद मैं जस्ट आपको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हो रही हैं कि यहाँ पे है फिक्स और एक है ब्लॉक, ब्लॉक सॉरी ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का तो मतलब ये है कि कल को हमने ये है कि नहीं चाहिए इसको, हटाओ, डिलीट, डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ब्लॉक पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स पे क्या है, अगर मैंने फिक्स कर दिया तो बस इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये अभी जस्ट मेरा सेव हो गया। अब मैं आपको इसको ME02 के अंदर अगर मेरे को जाना है, इसके अंदर सॉरी ME01 के अंदर ही होता है, इसको देखना है और चेंज करना है तो चेंज भी हम यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इसके अंदर मेरे को कुछ वो करना है कि नहीं चाहिए, डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना है, तो जस्ट मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ और इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए अलग से और ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है कि हमें कुछ और ज़्यादा कुछ करना है, लेकिन इसका कंसेप्ट के अंदर काम कैसे करता है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो इसको मैं खुला रखता हूँ लाइन को और एक नया जो टैब खुला है यहाँ पे लेके चलता हूँ, ME21N चलता हूँ मैं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं और यहाँ पे मैं मटेरियल डाल लेता हूँ 6001। ठीक है, ये मैंने डाला, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 9910 डालता हूँ मैं यहाँ पे जानबूझ के, हमने हालांकि 99 वो डाला था। कंपनी कोड दे लिया, अब की बार जो हमने वेंडर लिया था, वेंडर मेरा है ये, अंदर जाने के बाद मैं देख लेता हूँ जो हमारा वेंडर है ये, लेकिन मैं अभी इसको पहले चेंज करने की कोशिश करता हूँ, दूसरा वेंडर डालने की कोशिश करता हूँ पहले। ठीक है, MKVZ वेंडर मास्टर की लिस्ट देखनी है अगर मेरे को उसकी टी कोड है, और यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर मैं 35 ले लेता हूँ वेंडर, जो वहाँ पे हमने मेंटेन नहीं किया उसके अलावा हमने 35 लिया वो ले लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये मेंटेन नहीं है, चलो हम इसको यहाँ से 00 ही कर देते हैं, बट ये वेंडर हमें चेक करना पड़ेगा वेंडर मेंटेन है या नहीं है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, प्लांट हमारा था 9900, डबल 9 10 है क्या? ठीक है, देखो लिमिट, ये हमें अभी कंपनी कोड का कंसेप्ट में लेके जाएगा, पहले उसको ही करना पड़ेगा ये पीओ को। चलो मैं इसको बाद में दिखा दूंगा, अभी तो नहीं कर पाऊंगा इसको मैं क्रिएट नहीं कर, ए, चलो इसके टॉलरेंस लिमिट भी मेंटेन कर ही देता हूँ, तो आपकी बात में फिर हो जाएगा। हाँ देखिए, आप लोगों को जो एरर दिखाना चाह रहा हूँ बस वो देख लीजिए आप। अभी मैं क्या कर रहा था, इसको डिफरेंट वेंडर को ले रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ जब मैं, तो सिस्टम क्या कह रहा है यहाँ पे पहला एरर तो दे रहा है कि चलो भाई टॉलरेंस लिमिट नहीं है। ठीक है, वो हमने नहीं मेंटेन किया, अभी हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकंड में देखोगे, सेकंड इशू क्या है, मटेरियल नॉट इंक्लूडिंग द सोर्स लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया एरर, इसमें ये क्या कह रहा है कि भाई जो हमने सोर्स लिस्ट के अंदर मेंटेन किया है ये इस वेंडर के लिए इंक्लूड नहीं है, ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ वेंडर को, और जो 33 वेंडर नंबर है,
उसको अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे सिस्टम बस वही एरर देगा जो हमारे को एक ही एरर दे रहा था वो वाला। यहाँ पे चलो हम इसको, देखिए अभी अगर आप अब देख रहे हो हमने जो वेंडर वो वाला ले लिया जिसके अंदर ये ऑलरेडी मेंटेन्ड है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो हमने ये वेंडर जो 33 डाल रखा है और मटेरियल और प्लांट का कॉम्बिनेशन डाला है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वो वाला एरर हटा दिया जो हमारा रहा। ठीक है, ये टॉलरेंस लिमिट का दिखा रहा है, चलो हम इसको हटा देते हैं टॉलरेंस लिमिट को। ये एक्चुअली क्या है, कंपनी को का कंसेप्ट करने के बाद में हमें इसकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पहले डालनी पड़ती हैं। ई ई वी ई इसको कॉपी करके डाल देता हूँ, बाद में इसको बता दूंगा मैं जो हमारी PS1। ठीक है, अभी देख लेता हूँ एक बार, शायद ये वाला एरर भी हटना चाहिए। सर मटेरियल में जाके भी तो करेंगे परचेज लिमिट में, परचेजिंग नहीं वो वहाँ पे करने में। की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, शायद ये इसके ट्रांजेक्शन को ME 21N दोबारा से एक बार मैं रन कर लेता हूँ। ये वन टाइम पे होता है जब हम कोई भी वेंडर मटेरियल सॉरी कंपनी को क्रिएट करते हैं, वन टाइम पे टॉलरेंस लिमिट डालनी होती है, वो कंसेप्ट अलग है, आपको वो भी बताऊंगा मैं जब हम करेंगे मेटर मास्टर में जो टॉलरेंस लिमिट की बात करता था मैं। प्राइस मिल गया मेरा जैसे यहाँ पे 30 रुपये, एक स्क्रीन थोड़ा हाँ बड़ा हो रखा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी डल गया प्लांट, अभी क्या बचा एंटर डिलीवरी डेट। तेईस 27 28 तक आ जाएगा, कोई सुन नहीं। अभी अगर आप देखोगे इसको हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए अभी आप कोई भी इशू नहीं आ रहा, अब हम इस पीओ को सेव कर सकते हैं। ये अभी मेरा पीओ सेव भी हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस कंसेप्ट में देखोगे जो हम सोर्स लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सोर्स लिस्ट का मतलब क्या कि हमने कोई भी हमारा मटेरियल है उस मटेरियल के लिए हमने क्या है पहले मेंटेन कर दिया, और अगर हमने मेटल मास्टर के अंदर जो सोर्स लिस्ट का जो डबल टिक, मैं इसी पीओ के अंदर डबल टिक कर रहा हूँ, तो ये वापस से हमें प्रोसेस लिस्ट में ले आया, अगर ये मैंने नहीं लगाया तब सिस्टम नहीं चेक करेगा कि कौन सा वेंडर लगाया हुआ है कौन सा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट यहीं से शुरू हो जाता है, अगर हमने ये टिक लगा दिया तो सिस्टम क्या करेगा सोर्स लिस्ट को चेक करेगा। अच्छा एक सेकंड, कल अभी हमने जो लास्ट वाली इसमें बताया था इन्फो रिकॉर्ड की भी बात की थी, इन्फो रिकॉर्ड मैंने शायद आपको बताया था कि दो टाइप से क्रिएट होता है, एक मैनुअली एक ऑटोमेटिकली। मैनुअली हमने क्रिएट किया था ME 11 से ME 12 में चेंज किया था, और ऑटोमेटिकली क्या है अभी अगर आप देखोगे हमने क्या किया है, ये वेंडर और ये मटेरियल दोनों का कॉम्बिनेशन लेके अभी हमने जो पीओ क्रिएट किया है, इस पीओ में अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इन्फो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया इसका। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को एक टिक बताया था कि ये टिक लगा हुआ होता है तो ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इसका अभी हमें बेनिफिट क्या होगा कि जो हमने अभी बात किया है कि मेरा जो इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है इसका हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, अगर हम ये वाली चीज इसको देख के चलते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, अभी यहाँ पे टेक्स्ट कोड क्या डाला हुआ V0। ठीक है, कंडीशन के अंदर अगर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे प्राइस अभी मैंने बस केवल प्राइस ही डाला है। ठीक है, और जो 10 रुपये का प्राइस डाल सॉरी 10 का नहीं 30 रुपये का, 30 रुपये सॉरी 10 रुपये, 10 रुपये प्राइस डाला हुआ। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ पर नया टैब खोलता हूँ, इस नया टैब खोलने के बाद ME 21N में जाता हूँ वापस से, और सेम इसी का जो मटेरियल और वेंडर है इसके कम्बिनेशन के साथ में एक वो बनाता हूँ पीओ बनाता हूँ। जैसे अभी हमने मटेरियल लिया सॉरी, पीओ की क्वांटिटी में 10 एक ले लेता हूँ। ठीक है, और प्लांट डाल देता हूँ एक बार बस। ठीक है, अब मैंने एंटर किया, जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे डिलीवरी डेट के लिए सिस्टम ने बोला मेरे को डिलीवरी डेट में दे सकता हूँ, क्योंकि डिलीवरी डेट मेरी हो सकता है डिफरेंट हो जाए, लेकिन अगर आप देखोगे डिलीवरी डेट को छोड़ के मेरा ऑटोमेटिकली सिस्टम ने क्या कर लिया प्राइस उठा लिया 10 रुपये।
अब सिस्टम को क्या पता कैसे उठा के लाया है। और अगर मैं अभी आपको इनवॉइस के टैब में जाके दिखाऊंगा, यहाँ पे V0 ऑटोमेटिक आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कंडीशन, अगर ये तो अभी एक ही कंडीशन डली हुई है बेसिक प्राइस की, अगर इसके अलावा और भी कंडीशनें डलती हैं, वो सारे के सारे सिस्टम यहाँ पे पिक करके ले आता है, ठीक है। और इसको अगर मैं सेव करूँगा तो इसके इसके सिस्टम बस इन्फो रिकॉर्ड की वजह से ये दो तीन चीज़ें हैं जो वो उठा के ले आता है, जो मैंने वहाँ पे उस टाइम पे जब हमने क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली मैनुअली, जो वाली चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे सारी की सारी उठ के यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। ये देखोगे तो अभी सेकेंड टाइम पे भी हमने मैटर ये क्रिएट कर लिया है पीओ, लेकिन इसका इन्फो रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो वही है सेम ही, क्योंकि एक टाइम पे इन दोनों का कम्बिनेशन का एक मेरा इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। तो अभी जितने भी मेरे मेटेरियल बन पीओ बनते रहेंगे, उनका इन्फो रिकॉर्ड ये ही रहेगा, और सिस्टम जब भी हम पीओ बनाएंगे उसका करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी से डाटा फेच करके लाता रहेगा। मान लो कि अब की बार मैंने पीओ बनाया, उसकी मैं प्राइस मैंने जबरदस्ती से 20 रुपये डाल दिया, टैक्स कोड अलग से चेंज कर दिया, तो जो लेटेस्ट का चेंजेज किया है वो सिस्टम अपडेट कर देगा इन्फो रिकॉर्ड में। फिर हम जो पीओ बनाएंगे तो उस टाइम पे 111 के अंदर जो लेटेस्ट चीज़ें डली हैं उठा के ले आएगा सिस्टम, ठीक है। हाँ तो ये अभी मैंने जो आपको दिखाया है, ये पीओ की स्क्रीन दिखा रखी है। पीओ की स्क्रीन क्या है, परचेज ऑर्डर बनाने के लिए जो जो चीज़ें रहती हैं उनका एक कंसेप्ट है, इसका ओवरव्यू मैं आपको बाद में दे दूंगा, अभी हम जो हमारा कंसेप्ट है उसके ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। सोर्स लिस्ट के अंदर अगर आपका कोई इशू है तो बताइए। अभी सोर्स लिस्ट को मेंटेन करने का तरीका वही होता है जो अभी मैंने बताया था, इसके अंदर मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। मान लो कि अभी मेंटेन कर रखा है हमने, अभी हमने एक मिनट रुकिए, ऑलरेडी खोल रखा है इसलिए बोल रहा है। यहाँ पे ये खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और वापस से आता हूँ स्टेप पे और एंटर करता हूँ, ठीक है। अगर हमें इसमें बस ये कि फिक्स करना फिक्स कर सकते हैं, ब्लॉक करना है इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसके अंदर बस एक चेंजेस है, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट क्या रहता है, सोर्स लिस्ट का एक थोड़ा अच्छा रोल अदा करता है। कुछ कंपनियों के अंदर होता है कि नहीं, हमें कुछ वेंडर हैं जो रिस्ट्रिक्टेड करने हैं, उनसे सामान नहीं खरीदना है या उन्हीं से सामान खरीदना है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक टाइम का डेट का वैलिडेशन भी रहता है कि हम कि एक यहाँ पे डेट बता सकते हैं कि इस वेंडर को मेरे को यहाँ से यहाँ तक खरीदना है, ठीक है। अगर अभी आपका कोई इशू है तो बताइए, इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा हल्का फुल्का अपडेट दे देता हूँ पीआर के बारे में। पीआर जो हमारी है परचेज रिक्विजिशन होती है, परचेज रिक्विजिशन के बारे में थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन क्या है, कोई भी अभी जो हम बात कर रहे थे अभी तक, ये मास्टर डाटा की बात कर रहे थे। मास्टर डाटा में जो हमने अभी बात की, मेटल मास्टर, वेंडर मास्टर, सोर्स लिस्ट, इन्फो रिकॉर्ड या फिर एचएसएन कोड, ठीक है। तो अभी जो हम करेंगे ये है मेरी ट्रांजैक्शनल डाटा। ट्रांजैक्शनल डाटा का मतलब है कि ये मेरे अभी डेली बेस पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, पीआर बन रही है, पीओ बन रहा है, जीआरएन हो रही है, इनवॉइस हो रहा है, ठीक है, तो वो बोलते हैं तो ट्रांजैक्शनल डाटा। और जो पीआर होती है, पीआर पी टू पी का फर्स्ट स्टेप होता है। कुछ कंपनियां इसको करती है, कुछ कंपनियां इसको नहीं करती है। पीआर का करने का मतलब क्या है कि पीआर को हम इंटरनली डॉक्यूमेंट बोलते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर इंटरनली जो रिक्वायरमेंट लेते हैं उसको पीआर बोलते हैं। अगर इंटरनल के बाद में एक्सटर्नल की बात आती है तो उसको पीओ बोलते हैं। ये इंटरव्यू में भी बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरनली रिक्वायरमेंट क्या होती है और एक्सटर्नल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिक्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। इंटरनली होगी मेरे जो हमारे कंपनी के अंदर जो हम पीआर बना रहे हैं उसकी, और एक्सटर्नल होगी मेरी पीओ। जो पीओ एक मेरा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे हम परचेज करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल होगी कि हमारी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हम कोई भी सामान को परचेज कर रहे हैं और उसको आउट साइड में जो वेंडर होते हैं उनको भेजते हैं। इंटरनली में पीआर होगी, पीआर मेरा जो भी हम अपनी कंपनी के अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं कि मेरा सामान इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको पीआर का अभी थोड़ा आइडिया नहीं लगा है तो परचेज रिक्विजिशन इसको फुल बोल रहे हैं जो, जैसे फुल बोलो। अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूँ तो मान लेते हैं कि हम अपने घर पे हैं, घर पे हमें कोई भी सामान की जरूरत होती है। मान लेते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे की तरह ही लगा लेते हैं कि घर में चार पांच छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनको क्या है, नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए। अब वो क्या कहते हैं कि आता है, भाई मेरे को चार कॉपी चाहिए, एक बोलता है मेरे को तीन चाहिए, एक बोलता है कि मेरे को दो कॉपी चाहिए, एक 10 पेन मांग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम सभी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई आप 5 नोट करवाओ, 4 है, 3 है, 2 है, टोटल हमने उनकी ले ली। और लेने के बाद हमने याद रखा कि
कि भाई घर पे हमें चाहिए टोटल 25 कॉपी, तो हम दुकान पे जाएंगे और टोटल 25 कॉपी की रिक्वायरमेंट देंगे उसको पीओ बना के। तो मतलब एक तरीके से जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं वो ये होता है, जो हमने इंटरनली डिस्कस की है सामान मंगवाने के लिए वो मेरी पीआर है। लेकिन जैसे ही वो पीआर को मैंने इकट्ठा किया या सेपरेटली वन बाय वन दे सकता हूँ, जैसे बाहर जा गया तो वो पीओ हो गया। हाँ बताइए आदित्य। जो ये परचेजिंग है, हाँ ये रिक्वायरमेंट प्रोक्योरमेंट साइकिल है जो इसी का पार्ट है, परचेज साइकिल का पहला स्टेप है। रिक्वायरमेंट। ओके पी टू पी का जो पहला कंसेप्ट होता है, पी टू पी में जो सबसे पहले हम पीआर बनाते हैं, पीओ बनाते हैं, फिर मीगो करते हैं, फिर इनवॉइस, तो ये उसका पहला स्टेप है। ठीक ओके है, तो अभी मैं सिस्टम में आता हूँ, आपको पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ कैसे होती है एसपीआरओ में। थोड़ा एक क्विकली बता देता हूँ, 4-5 मिनट का टाइमिंग है। यहाँ पे गया, सेम कंसेप्ट रहेगा वही। अब की बार हम जो मटेरियल मैनेजमेंट में आते हैं एसपीआरओ में जाने के बाद, यहीं पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद दिया परचेजिंग क्या में, यही जो हमें सर दिया थोड़ा था मेन होल्ड वर्ड करके वाला, बताइएगा। हाँ जी मैं बताइए, ट्रांसफर कौन सा सर्विस बताना को आपको? बिछाने का देता हूँ। अच्छा ये नोट करना मैं कह आपको, रहे हैं थोड़ा हाँ होल्ड करके आप एसपीआरओ बताइएगा थोड़ा सा। में गए, आईएमजी रेफरेंस, आईएमजी रेफरेंस के बाद हम गए यहाँ पे मेटेरियल मैनेजमेंट में। मेटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद हम गए यहाँ पे परचेजिंग में। डाउनलोड कर पड़ोसी घर से। परचेजिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे गए परचेज रिक्विजिशन में। अभी जो हम कर रहे थे, सोर्स लिस्ट हमारा यहाँ पे था ऊपर, इसके पहले इन्फो रिकॉर्ड था, ये अभी एक कोटा अरेंजमेंट है, आरएफक्यू है, सीरियल नंबर है, इनका कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम पीआर पे बता रहे हैं, तो पीआर में जाएंगे और यहाँ पे हम पीआर में जाने पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे परचेज रिक्विजिशन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें परचेज रिक्विजिशन के लिए अंदर से टैब खुल गया। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है डिफाइंड नंबर रेंज। हम जो भी हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा, पीआर बनेगी, उसका नंबर है हम अगर हमें असाइन करना है, अगर क्या हमें करना पड़ेगा, वो नंबर रेंज के लिए पहले यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर हम अपनी नंबर रेंज देख लेंगे कि मेरी यहाँ पे कितनी नंबर रेंज करी हुई है। ठीक है, अगर फ्रेश कंपनी में तो हम अपनी नंबर रेंज डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली यहाँ पे ये यूज़ हो रही होगी, 4 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, बैक करता हूँ नंबर रेंज के लिए। एनआरएस स्टेटस और इंटरवल के बारे में मैंने आपको बताई दे दिया था। इंटरवल होता है कि मेरा फ्रॉम टू टू, और एनआरएस स्टेटस होता है मेरा ये वाला एक्सटर्नल और इंटरनल नंबर रेंज के बारे में भी बताया था, शायद आप लोगों को याद हो तो। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप। डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप पे अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप मिलेंगे आपको, कोई भी परचेज ऑर्डर की या पीआर की या अलग जो भी हम आरएफक्यू बना रहे हैं जीसी की भी, उसकी ये अलग अलग मिलेंगे और स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंट मिलेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप में अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो नॉर्मली परचेजिंग करते हैं हम, उसके लिए स्टैंडर्ड में एनबी रहती है डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारी जो स्टैंडर्ड में रहती है वो एनबी होती है, और एनबी के साथ साथ में अगर मेरे को इसको रिटर्न करना होता तो इसको एनएनबी की केस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एनबी को यूज करेंगे, एनबी को हम कॉपी करेंगे और अपनी बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, हाँ जैसे आप बताइए। लॉगिन किया हेलो, बताइए। ये शिप्रा जी की साइड से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड आवाज आ रहा है इनका, मैंने म्यूट। म्यूट कर दिया। हाँ बताइए, मैंने कर दिया है अभी। वैसे अभी टाइमिंग 1 मिनट का रहा, मैं आपको थोड़ा क्विकली बता देता हूँ वापस से। चलो चलो, मैं आपको एक बार वापस से ही भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, और दोबारा से पीआर का थोड़ा कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, अभी मीटिंग एंड हो गया है तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही पीआर के बारे में बता दूंगा। तो अभी मैं मीटिंग को एंड करके दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ। ओके।